आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओप्पो K10 स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर, चलिए चलते हैं। पहले मैं आपको ओप्पो K10 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। यार इससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसके कैमरास की बात की जाए तो इसमें आपको 50MP का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 50MP 2MP 2MP के तीन कैमरे मिलते हैं रेयर साइड में। 50MP के इसमें आपको एक प्राइमरी कैमरा मिलता है, 2 MP के इसमें आपको एक माइक्रो कैमरा और एक इसमें आपको डेप्थ कैमरा मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर मिलता है ऑक्टा कोर का, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट के इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है। साथ ही इसमें आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, कलर OS 11 देखने को मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और वहीं अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 33W की फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। ओप्पो K10 की मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस तो बता दिए। अगर इसकी लॉन्चिंग की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है 23 मार्च को ये स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा इंडियन मार्केट में। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो इस स्मार्टफोन की प्राइस आपको 20,000 रुपए से कम देखने को मिलेगी।